सो हेलो एवरी वन आई नो लॉन्ग टाइम नो सी बट लेट स्टार्ट विथ आर फाइनेंस करंट अफेयर्स वेयर वन वीक फुल वॉट एवर इम्पॉर्टेंट फाइनेंस करंट अफेयर्स वेयर देर वी विल ट्राई टू कवर देम सो नॉट वेरी कंसेप्चुअल थिंग्स वेयर देर दिस वीक इस वीक कोई भी ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें नहीं थी ठीक है ओवरऑल अपडेट्स इस थे स्टैटिक जो कि आप जनरल करंट अफेयर्स में करते हो बट अगर मैं बात करूँ तो थोड़े कंसेप्चुअल टॉपिक्स थे उनको एक बार देख लेते हैं

लेकिन कल से हम फाइनेंस करंट अफेयर्स रेगुलर लाएंगे वी विल हैव इट एवरी डे दिस इज अ प्रॉमिस आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर रेगुलर क्लासेस लाओ कुछ भी करो फाइनेंस करंट के रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं लेकिन रेगुलर क्लासेस नहीं हो रहे सो द पॉइंट इज दैट द न्यूज इज ऑल्सो नॉट रेगुलर एंड बस अपडेट अगर आपको लाएंगे तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो बट नो वरीज वी हैव डिसाइडेड दैट कि अब हम

किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक चैनल है जिससे आप किसी भी फॉरेनर को एक परमिशन दे सकते हो कि आप इंडिया होंगी बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि फॉरेनर भाई आप आइए ठीक है ट्रम्प भाई साहब डेविड वेकम कोई भी फॉरेनर हो आओ और हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इन्वेस्ट करो आओ

तो मेरे पास राइट है कि मैं रिमूव कर सकता हूं आपने भी उस एग्रीमेंट में लिखा कि अगर मेरा सैलरी टाइम से नहीं दिया जेठालाल तो छोड़ सकता हूं अगर मुझे ठीक से उन्होंने टर्म्स एंड खाना वगैरह ठीक से नहीं प्रोवाइड किया तो मैं भी छोड़ सकता हूं दोनों ने एग्रीमेंट रीड किया अपने अपने पॉइंट्स रखे दोनों को एग्रीमेंट एक्सेप्टेड है आप दोनों ने साइन किया ऐसा ही एक एग्रीमेंट ये तो एग्रीमेंट आपका जॉब का हुआ सिमिलरली इफ आई मेक एग्रीमेंट विच इज फॉर फाइनेंशियल पर्पज फाइनेंशियल पर्पज मतलब पैसा उठाने के लिए लोन लेने के लिए सिंपल आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए आपको लेनी है ऑन द लोन पेपर अगेन एग्रीमेंट एग्रीमेंट के ऊपर आपने साइन किया बैंक ऑफ इंडिया से बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि सर दे दो सिक्सटीन लाख रुपीज मुझे दे दो मुझे ठीक है तो सिक्सटीन लैख ,00 ,00 की आपने के के लिए पूरी की पूरी लोन ले ली और आपने बैंक को बताया कि यहां पर कुछ कोलेटरल रख के या फिर मैं EMI पे सेंस मंथली आई द आई इंटरेस्ट इज देर दैट आई वुड बी पेइंग और आपका पूरा लोन मैं चुका दूंगा अगर मैं नहीं चुकाता हूं अगेन तो कुछ ना कुछ कोलेटरल मैंने रखा होगा राइट गिरवी राइट तो ये एग्रीमेंट जो है इट इज नियर बैंक ये आप जो बैंक के साथ फाइनेंशियल डीलिंग कर रहे हो राइट रेजिंग द मनी विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट दैट यू आर डूइंग विद नाउ इमेजिन इमेजिन अ कंपनी ठीक है या फिर yourself, अगर आप बैंक से पैसे लोन उठाना नहीं चाहते आप चाहते हो कि मैं बैंक में ये केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन दूसरा बैंक के इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं सिक्सटीन परसेंट एटीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट बहुत ज्यादा हाई है पर वही कोई तो प्राइवेट एक पर्सन है इंडिविजुअल वो लोन दे रहा है बैंक की जगह पर ठीक है विथ प्रॉपर गारंटी विथ प्रॉपर एग्रीमेंट उससे क्यों नहीं पैसे रेज करूं सो सिमिलरली कंपनीज देन कैन गिव आउट इन टू द मार्केट डिफरेंट डिफरेंट एग्रीमेंट और पीस ऑफ पेपर ऑन विच दे विल मैंशन Particular price. Okay. So that would be, as I told you, that would be your coupon rate. Okay. So whatever that bond that company has given out in the market, company is doing nothing but with the help of that bond, company is trying to raise the money. Okay. So suppose that money raising. यू आर डूइंग थ्रू अ बॉन्ड सिमिलरली बट ओनली फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट इन द सेंस सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट जो कि क्लाइमेट रिलेटेड है जो कि मे बी आपके ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड है जो भी मे बी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इसके रिलेटेड जब होंगे तब उनको ग्रीन सोवरीन ग्रीन बॉन्ड कहा जाएगा So, normal bonds, we all know. It may be a company, it may be an individual. You are not raising the money from the banks, rather, you are raising the money through bonds, right? Through a piece of paper or agreement, which confirms that you give me the money and you take this paper. Okay? So, this is done to raise this bonds or this paper or this agreement. This money through these bonds are raised for the purpose of green projects. For example, I will tell you. Okay? डेली इज देर दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत होता है अब इमेजिन करो दिल्ली गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि ठीक है डेली के छतरपुर एरिया में मैं एक एयर प्यूरिफायर लगाऊंगा सो एट फीट बिग टॉल पिलर एयर प्यूरिफायर वुड बी कंस्ट्रक्टेड ठीक है सपोज ये एयर प्यूरिफायर है ऑलमोस्ट एक करोड़ का ठीक है टोटल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स वर्किंग एंड ऑल सिडर करते हैं एक करोड़ का है अब डेली गवर्नमेंट रैदर देन आस्किंग द मनी टू सेंटर ठीक है रैदर देन टेकिंग द लोन फ्रॉम एनी बैंक डेली गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि वाई नॉट टू रेज द मनी थ्रू बॉन्ड्स तो सपोज दिल्ली जो म्यूनसिपालिटी है राइट सपोज दिल्ली वॉट एवर द म्यूनसिपालिटी बोर्ड इज दर सपोज इट रेजिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड ओके सो सच टाइप ऑफ ग्रीन बॉन्ड इफ दे सक्सेसफुली रेज through such type of bond 1 crore rupees and that money whatever is raised if it is used for green project like for example funding this air purifier which for what purpose it is to making the air clean to remove the greenhouse gases this is nothing but whatever for this green purpose that money has been raised through the certain type of bond

पर ये जो सोरिन ग्रीन बॉन्ड इंडिया का है इट इज टू रिड्यूस फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू रेज द मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स सो दैट 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 मनी हैज बीन रेज कैन बी इन्वेस्टेड इन पर्टिकुलर पब्लिक प्रोजेक्ट्स विच आर एम टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी टोटल कार्बन इंटेंसिटी जो है अपनी इकोनॉमी में ठीक है जितनी कार्बन इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज्यादा खर्चा होगा वो पोल्यूशन कम करने के लिए या फिर उसका रिस्क मिटिगेशन करने के लिए राइट right? तो समझने की कोशिश करो अर्लियर टिल टू थाउजेंड एंड फोर टू थाउजेंड एंड एट टिल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ओनली डेवलपमेंट एंड नो एनवायरमेंटल नो एनवायरमेंटल बैकिंग और मे बी इवन सस्टेनेबिलिटी वॉज नॉट सीन आफ्टर टू थाउजेंड एट और मे बी आफ्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स केम इन टू बीग नाउ अलॉन्ग विथ डेवलपमेंट इवन वी हैव टू टेक सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अस ठीक है सो इकोनॉमिक ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम मे बी नॉर्मल सेकेंड और थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टू फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दिस डीन्स दिस डॉट मीन्स ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी कि पहले मशीन्स कर रहे थे अब ए आई लाया हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स लाया डेटा डेटा uh, uh, एनालिटिक्स लाया दिस इज नॉट जस्ट जस्ट द ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी सो ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी इज नॉट जस्ट

और डेविड कौन होता है एक छोटा सा बच्चा होता है ठीक है सो रादर देन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट विच अ स्टोरी ऑफ डेविड वर्सेज गोलिया देन दैट नाउ आफ्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आफ्टर टू थाउजेंड वी आर लुकिंग दैट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इट शुड गो हैंड इन हैंड ठीक है तो ये भी एक ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी है नाउ कीपिंग दिस हा इन कीपिंग विद दिस एम्बिशन टू रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी यूनियन बजट ने क्या कहा था कि सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स को हम जल्दी जारी करेंगे ठीक है सो ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क भी इवन 2022 में गवर्नमेंट ने दिया था सो नाउ एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओवरऑल मार्केट बोरोइंग्स सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इश्यूड फॉर मोबालाइजिंग द रिसोर्सेस मतलब पैसा कैपिटल बाकी के रिसोर्सेस इन्वेस्टमेंट पब्लिक कोई भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि क्लाइमेट के लिए जो कि सस्टेनेबिलिटी में इन्वेस्टेड है या फिर जो पर्पज रखते हैं इसमें यहां पर किए जाएंगे सो मोबलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड कैपिटल फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिस इज नथिंग बट डिप्लॉइंग पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स विच विल बी हेल्पिंग टू रिड्यूस यूर कार्बन इंटेंसिटी इन द इकोनॉमी वट डू यू मीन बाई कार्बन इंटेंसिटी ओवरऑल जो आपके टोटल थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इसमें जितनी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है एंड इफ दे आर ऑकरिंग टन ऑफ कार्बन ठीक है हर एक टन कार्बन जितना आपका बर्न हो रहा है उतना ही कार्बन एटमोस्फियर में एड हो रहा है सो कार्बन इंटेंसिटी इज नथिंग बट हाउ मच कार्बन वी आर बर्निंग ओके सो दिस इज ऑल्सो काउंटेड इन इकोनॉमी सो दो स्टोरीज है आपके पास फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं ठीक है थोड़ा सा सोचना ठीक है दो स्टोरीज है आपके पास एक कंट्री ऐसी है जहां पर सिगरेट्स बैन है ठीक है, है और एक कंट्री ऐसी है जहां पर सिगरेट्स चलते हैं और सिगरेट्स के ऊपर जो टैक्सेशन है वो भी बहुत ज्यादा है ठीक है लेकिन अगर आप देखते हो तो सिगरेट्स पे टैक्स है गवर्नमेंट उस टैक्स बहुत सारे लोग स्मोकिंग कर रहे होंगे सेकेंड कंट्री में तो उससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अर्न भी कर रहा होगा उस सिगरेट्स के टैक्स के ऊपर राइट लेकिन एक्सपेंडिचर भी तो ज्यादा होगा अब आप पूछोगे कैसे क्योंकि सिगरेट स्मोक करने से उतने हार्ट के एलिमेंट भी हो, होंगे राइट right? उतने आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वो भी ज्यादा होंगे हार्ट अटैक कैंसर ये सारी चीजें भी होंगी और वो एक्सपेंडिचर कौन करेगा अकेला इंसान तो नहीं करेगा गवर्नमेंट भी शेयर करेगी उस एक्सपेंडिचर को तो इस तरह से यू कैन सी दैट इवन योर मैटर इन दिस इज हाउ योर इंटेंशन ऑल्सो मैटर इन इकोनॉमी ओके, okay? सो so, अगर आप देखते हो इवन 1999 में भी आई थिंक ओके सो नैश द नोबल अवार्ड विनर इकोनॉमिस्ट इन्होंने भी यही कहा था एक बार कि इकोनॉमी में बस फाइनेंस बस uh, डेटा क्रंच बस नंबर्स मैटर नहीं करते आपकी आपका इंटेंशन भी मैटर करता है ओके सो हर्स वन थिंग टू अंडरस्टैंड ट हाउ फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कंट्री है जैसे कि चाइना विच इज द लार्जेस्ट पोल्यूटर इन द वर्ड राइट सिमिलर स्टेट्स इज ऑल्सोन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्यूटर नाउर वेस्टर्न कंट्रीज आर सींगल्सो लार्जेस्ट पोल्यूटर बट इंडिया इज अ पोल्यूटर डेफिनेटली लुकिंग एट द पॉपुलेशन लुकिंग एट आवर ओवरऑल ग्रोथ बट वी आर अ कंट्री विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है सो so, आप देख लीजिए नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी ठीक है यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ पैरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ओके सीओपी कॉन्फ्रेंस ओके सो इन दैट ऑल्सो यू कुड सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कि कैसे इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है दैट अलॉन्ग विद डेवलपमेंट वी आर ऑल्सो फ्रंट रनर इन क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड वेन एवर वी आर डूइंग द डेवलपमेंट वी डू टेक केयर अबाउट आर कार्बन फुटप्रिंट एंड इंटेंसिटी सो दिस इज वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें आपको कनेक्ट करनी है ठीक है सो एक बार बैकग्राउंड जान लो सोरीन ग्रीन बॉन्ड का हम इकोनॉमिक okay, ग्रोथ को आप बैलेंस करो सस्टेनेबिलिटी के साथ ठीक है सो यू कुड सी वेरियस प्रोग्राम्स लाइक नमामी गंगे मिशन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नेशनल क्लीन क्लीन एयर प्रोग्राम देन नेशनल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज एन पी इसमें यह भी एड कर दो इंटरनेशनल सोलर अलायंस पीएम कुसुम योजना, ओके, ऑल आर सस्टेनेबल। अब पीएम कुसुम योजना क्या है सिंपल सोलर बैक्ड वाटर पंप्स। तो इनसे क्या होता है सोलर बैक्ट वाटर पंप से कुछ नहीं इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है राइट सो इन दिस वे ऑल दीज आर स्मॉल स्मॉल स्टेप्स बट अेन यर वी आर ट्राइंग टू बैक द डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटलिटी सो ओवरऑल एट नेशनल इंक्लूडेड इन अंडर दिस सोरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑब्जेक्टिव क्या है इट्स नथिंग बट रिड्यूसिंग द इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी एक्टिविटीज हो रही है उससे आप एनविशन हो रहा है हार्म टू एनवायरमेंट उसको रिड्यूस करो या फिर उसको मिटिगेट करो मतलब उससे जो निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है वो कम करो ओके देन सो इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना डेवलपिंग सस्टेनेबल सस्टेनेबलटेट स्टैंडर्ड एक्सेट्रा ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुल जब भी एक कंट्री अपनी ट्रांजिशन कराता है फॉर एग्जाम्पल लुक एट ब्रिटेन ओके ब्रिटेन का एग्जाम्पल देता हूं सो वेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन

वर्ल्ड एम्पायर वेर सन वॉज नेवर सेटिंग मतलब क्या ब्रिटेन हर एक अगर आप मैप में देखोगे पूरी दुनिया में सारी जगह पर उनके कुछ ना कुछ थे तो इस तरह से ब्रिटेन दुनिया का राजा बन गया राइट लेकिन अगर आप देखते हो आफ्टर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इफ यू ऑब्जर्व ब्रिटेन टिल इवन 1947 फोर्टी सेवन टिल सुज क्राइसिस जब ब्रिटेन पूरा एम्पायर हट गया

एक्चुअली मोर देन थर्टी टाइम्स थ्री हंड्रेड टाइम्स ओके नॉट थर्टी टाइम्स थ्री हंड्रेड टाइम्स ओके सो इस तरह से आपको पता लगता है कि जब कोई भी कंट्री डेवलपमेंट करता है तो एनवायरमेंट कभी भी डेवलपमेंट के नीचे दब जाती है ओके इवन टेक द एग्जाम्पल आफ्टर नाइनटीन फोर्टी से डेवलप्ड कंट्रीज सो एवरी कंट्री इज इन अ रेस कौन सी रेस फ्रॉम बींग अंडर डेवलप्ड टू डेवलपिंग एंड फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड So, हर एक कंट्री चाहती है कि मैं अंडर डेवलप्ड का टैग हटा के डेवलपिंग बन जाऊं इंडिया जैसी कंट्री चाहती है कि हम डेवलपिंग का टैग हटा के डेवलप्ड बन जाए ओके सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू बर्स देर इकोनॉमिक इंजिन ट्राइंग टू रन देयर इकोनॉमिक इंजिन इन सच अ वे कि हम इतने जोर से उस इकोनॉमिक साइकिल को रन करें कि हम अपने इकोनॉमिक आउटपुट या फिर हमारा जो पोटेंशियल है उसके भी बियॉन्ड जा सके but nobody is thinking about economy so therefore always remember the major transition nowadays economies those are facing it's not just from underdeveloped to developing or developing to developed but it is also carrying environmental responsibility so pehle wo okay in first second industrial revolution it was just that okay just we have to do the economic transition from underdeveloped to developing developing to uh, developing to developed okay but now, after uh, our MDG, after SDG Sustainable Development Goals, now we realize that major transition nowadays in economy has faced with reshaping our financial sector and how to reshape your financial sector. Always remember through climate change, that is by balancing your environmental sustainability with economic growth. That is, if bank is providing loan to a to a firecracker company without considering their environmental impact, तो यहां पर जब वो लोन दे रहे हैं तब उन्होंने ये सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए सो क्लाइमेट रिस्क कुड ऑल्सो बी टू इनकॉर्पोरेट द बेसल नॉर्म्स दैट इज सुपरवाइजरी रिस्क मार्केट डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्टेड टू कैपिटल एंड लिक्विडिटी ओनली सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यही मैं बता रहा था आपको फॉर एक्जाम्पल एक कंपनी है जो कि सिगरेट के लिए फेमस है ठीक है एक कंपनी है जो कि क्रैकर्स बनाती है दूसरी कंपनी कार की है होंडा की पकड़ लो ठीक है होंडा कंपनी पकड़ लो ठीक है होंडा कंपनी को एक नया ब्रांड सेटअप करने के लिए क्या चाहिए इंडिया में सपोज लोन चाहिए सो नाउ रिमेंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट बट नाव इट मे बी इवन फायर क्रैकर कंपनी इट मे बी इवन सिगरेट कंपनी इट मे बी इवन अ कार कंपनी नाव बैंक विल ऑल्सो भी लुकिंग एट दियर एनवायरमेंटल इंपैक्ट कि होंडा में इंजिन कौन सा लगा है क्या होंडा में बी एस बी एस फोर सिस्टम या फिर बी एस सिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इंजिन लगे क्या उसमें एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस हैुड बी पासिंग द लोन्स वेरी वेरी इजिली अदर देन दैट इवन वॉट एवर बेसल नॉम्स ऑर देर अदर नॉर्म्स और बैंक आर देयर दो वुड बी कंसिडरिंग दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो दैट मीनस कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन टू यूर फाइनेंस फाइनेंशियल वर्किंग्स ओके then comes technology. ensuring security, privacy, integrity in your financial system also. for example, data protection. for example, facebook, suppose, for example, india, facebook, india, ka jo office. if it goes in a bank, okay, for loan or anything purpose, then at that time rbi can even intervene or maybe even rbi also itself has enacted data protection act. so in this way, you have to understand that now banks are being more responsible. Okay, not only in environmental things but various these aspects. So here you could understand when transition we are talking about. Exp sorry, when transition we are talking about expansion and contraction. So always remember this expansion and contraction, trough and crest. So crest and trough. Whatever this trough and crest is there, always remember earlier it was more about running our economy. इंक्रीजिंग मैनर इन सच अ वे दैट वी आर रनिंग आर इंजिन टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री सो इंडिया वॉज जस्ट रनिंग एज अ डेवलप्ड कंट्री राइट बट नाउ वी डू रियलाइज दैट इंडिया अलॉन्ग विद इज ऑल्सो कंसिडरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यह दोनों चीजें कंसिडर कर रही है सो ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट फिनांशियल ट्रांजिशन इज नॉट जस्ट इकोनॉमिकल बट ऑल्सो एनवायरमेंटल तो यह बहुत बड़ी चीज है ठीक है यह समझना होगा आपको ठीक है टेक्नोलॉजिकल then डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सो फॉर example रेगुलेशन ऑफ डिजिटल lending platforms ओके सो फॉर example जितने भी फिनटेक्स है ठीक है सुपरवी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क है बहुत सारे एप्स निकलते हैं जो कि फ्रॉड हो जाता है एनबीएफसी फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें फ्रॉड निकल आता है उसमें भी देखना देन सोशल मीडिया ट्रांजेक्शन स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन बैंकिंग सिस्टम राइट सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड वाइल रीशेपिंग मे बी ट्रांजिशन योर इकोनॉमी सो अर्लियर जो हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में देखा था दैट इज नॉट द केस राइट नाउ योर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट वुड शुड बी सीन योर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट शुड बी सीन देन योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी सीन एज वेल एज योर सोशल मीडिया ट्रांजिशन शुड बी सीन ओके सो ऑल दीज आर वेरियस डायमेंशन इन विच दे ऑल्सो गेट

सिटीज विच आर एनरिच्ड विथ एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि यहां पर पोल्यूशन या फिर निगेटिव एस्पेक्ट से यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है एंड दैट इज वाई ऑल दीज से वेरियस एक्टिविटीज वेरियस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट वुड बी डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस थिंग्स एनडीसी टारगेट वेर अनाउंस इन टू थाउजेंड फिफ्टीन वेयर टू रेड्यूस इमिशन इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जी डी पी by 33% by 2030 as compared to 2005 level 2005 में जितना पोल्यूशन था उसके 33 35% हम रिड्यूस कर देंगे 2030 तक ये था हमारा एनडीसी टारगेट सब कुछ इंस्पिरेशन आता है पेरिस पी, पीस डील की डील से तो सीओपी 12 ये दुनिया का सबसे मेन यहां पर सिटिंग था पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी ओके उसमें डिसाइड किया गया था कि भाई अगर हमने टोटल वन टू थ्री डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज नहीं किया वर्ल्ड में तो इट वुड बी वेरी डिजास्टरस सिचुएशन अगर हमने वन टू टू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर लेवल राइज अगर डिक्रीज नहीं किया तो इट वुड बी डिजास्टरस सिचुएशन फॉर एस फ्रॉम टेकिंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस पैरिस पीस डील एंड देन इंडिया एडोप्टेड नेशनल एडप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज देन इवन वेरियस प्रोजेक्ट्स लाइक नेशनल हाइड्रोजन मिशन पंचमृत इनिशिएटिव

रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन कार्बन इमिशन रिड्य एक आपकी एसी की कंपनी है, पहले उससे हाइड्रोफ्लूरो अब हाइड्रोफ्लूरो क्यों? जब वो ऊपर जाते हैं तो आपकी वो ओजोन लेयर को खा जाते राइट सो right? so, अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये भाई क्लोरो और हाइड्रोफ्लोरो कार्बन नहीं चलेंगे ठीक है रिप्लेस देम विथ सर्टन अदर हेलोजन और मे बी अदर कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन नाइट्रोजन ओके सो एसी की कंपनी ने क्या कहा सर वी आर नो लॉन्गर यूजिंग सी एफ सी नी आर यूजिंग अदर कंपाउंड हैव चूज अ ग्रीनर पाथवे तो इस तरह से होता है थोड़ा सा समझो लॉजिक को ठीक है क्यों होता है ग्रीन बॉन्ड ये होता है वो होता है थोड़ा सा कनेक्ट करो तब तक आपको समझ नहीं आएगा ओके देन टू रिड्यूस टू प्रमोट द क्लाइमेट रेजिलियंस और एडेप्टेशन फॉर एग्जाम्पल कैंपा फंड वॉट इज कैंपा फंड सपोज आपने एक किलो सपोज uh, आपने मे बी स्क्वायर मीटर एरिया की मीटर स्क्वायर स्क्टर स्क्वायर मीटर का एक एरिया है वहां पर आपने पेड़ काट दिए ठीक है यू कट डाउन द ट्री दिस इज अ डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट लेकिन गवर्नमेंट का एक फंड है कैंपा फंड ठीक है जो होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए तो गवर्नमेंट ने क्या कहा आपको कुछ नहीं कोई बात नहीं ट्वेंटी मीटर स्क्वायर में पेड़ काटे ना 20 मीटर स्क्वायर में ही पेड़ लगाने के लिए एक्स्ट्रा फाइन भरो या फिर एक्स्ट्रा पैसे कंट्रीब्यूट करो वो जाते हैं डायरेक्टली कैंपा फंड में कैंपा फंड से वो पैसे लो गवर्नमेंट लेती है और किसी दूसरे 20 मीटर स्क्वायर में वहां पर पेड़ लगाती है सिंपल एज दैट सो दिस इज रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है ठीक है वी ऑल आर नोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ठीक है इससे प्रॉब्लम होता है एनवायरमेंट के लिए तो यहां पर फिर गवर्नमेंट कहता है कि मैन्यूर्स यूज करो ठीक है रैदर देन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स मैन्यूर्स यूज करो बायोगैस को यूज करो जिससे मीथेन को एक प्रॉपर एनर्जी चैनल में यूज किया जाएगा और वो इनफ्लुएंट बनकर बाहर नहीं निकलेगा जब फार्मर्स ये करेंगे जब फार्मर्स ये बताएंगे कि हमारे पास बायोगैस भी है हमारा इमिशन कम है तो सिमिलरली उनको भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जब वो लोन के लिए जाएंगे शायद से उनकी क्रेडिट जो स्कोर है वो भी अच्छा होगा दिस इज नॉट ट्रू इन इंडिया राइट टर्म बट ये कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में सच है हर एक फार्मर के पास कुछ ना कुछ ट्रैक्टर या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट होती है वहां से पता लगता है कि कितना फ्यूएल उसने कंज्यूम किया है कितना कार्बन उसने सेव किया है और उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉइंट देती है और फिर उस हिसाब से उनको उतना लोन मिलता है सो दिस इज हाउ इकोनॉमी गेट्स पेयर अप थ योर एनवायरमेंट वैल्यूज टू इंप्रूव नेचुरल इको सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल गोल्स अब सस्टेनेबल गोल्स देखो ट्वेल्थ सस्टेनेबल गोल अगर आप देखते हो यह है आपका टोटल रिस्पॉन्सिबल कंजम्प्शन के लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं यूज कर रहे हो एक्स्ट्रा जो भी रिसोर्सेस है उनको नहीं यूज कर रहे हो थर्टीन है आपका क्लाइमेट

रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी इफिशियंसी क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैवर्नमेंट क्या करेगा दे विल रेज द सोर इन ग्रीन बॉन्ड्स टू फाइनेंस और री फाइनेंस एक्सपेंडिचर जो खर्चा है किसका खर्चा फॉर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट फॉलिंग अंडर एलिजिबल कैटेगरी जो भी ये

जो कि टोटली स्क्रैच से बनाया जाता है एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी निगेटिव इंपैक्ट ऑन योर सराउंडिंग्स ठीक है देन कम्स क्लीन ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा ठीक है तो ये सारी चीजें यहां पर आ, आपके सोरिन ग्रीन बॉन्ड में अब आते हैं मेन डिस्कशन के ऊपर जब मेन डिस्कशन बात कर रहा हूं कितने रूट्स होते हैं जिससे फॉरेन एंटिटीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं सो नाउ व्हाट वाज़ द न्यूज इस सोर ग्रीन बॉन्ड में हमारे जो फॉरेनर्स हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओके थ्रू फुल्ली एक्सेबल रूट विस फुली एक्सेबल रूट तो कभी भी कोई भी फॉर इन्वेस्टर रहा चाहे फिर वह नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो ओसीआई हो या कोई भी फॉरिन इन्वेस्टर हो उसको होते तीन रूट जिससे वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है ठीक है पहला रूट है एम टी एफ दूसरा रूट है एफ ए आर और तीसरा रूट है वी आर आर ठीक है सो अगर मैं एम टी एफ बताऊ इट इज मीडियम फ्रेमवर्क मीडियम टर्म फ्रेमवर्क बताऊ तो वॉलंटरी रिटेंशन रूट और एफ ए आर बताऊ तो फुल्ली एक्सेसिबल रूट ठीक है ये तीन टाइप्स होते हैं जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में क्या कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते एम टी एफ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क इट इज वेयर फॉरेनर्स इन्वेस्ट बट that is limited invested in limited investment in certain projects then comes vrr voluntary retention route it is nothing but when fpis are invest investing in debt market so government wants foreign uh, institution holders to invest in their debt market that is why vrr is made now there is one route एक रूट ऐसा है जहां पर फॉरेनर्स विदाउट एनी सीलिंग जितने चाहिए उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो है आपका फुल्ली एक्सेसिबल रूट एफ एर मतलब कोई भी आ, कोई भी ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती तुम फॉरेनर इसमें दस, दस लाख की इन्वेस्ट कर रहे हो एक करोड़ की भी इन्वेस्ट कर रहे हो नहीं नहीं तुम इतने ही इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं यहां पर कितने भी देर इज नो सीलिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट कितना भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है बट Only on certain projects, and these certain projects government decides and keeps in the FAR list. What is this FAR list? Fully Accessible Route List. उस लिस्ट में कुछ-कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं फॉरेनर्स को जिसमें वो without any ceiling invest कर सकते हैं जितने पैसे उनको चाहिए. Okay? So it has now been decided.

स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता ही होगा एक ऐसी एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट करती है पैसे रेज करने के लिए सिंपल एक एग्रीमेंट ही बैंक नहीं यहां पर उसकी बैकिंग ले रहा ना ही कोई प्राइवेट एंटिटी बै, बैकिंग ले रहा है यहां पर सीधा गवर्नमेंट बैकिंग ले रही है इसका मतलब क्या है इसका रिस्क होता है बहुत ही कम दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गिल्ट टेड ओके, okay? तो इनको गिल्ट भी कहा जाता है इन्वेस्ट मतलब तो uh, uh, कर सकते ओनली इन सर्टन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन कौन है एलिजिबल इन्वेस्टर्स वो लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पर नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस दे कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदउट सब्जेक्ट टू एनी इन्वेस्टमेंट सीलिंग सीलिंग है नहीं ठीक है अपर ब्रैकेट कोई है नहीं कितना चाहे उतना कर सकते आरबीआई सेवर्नमेंट सिक्योरिटीजी सेक्स चाहे वो टर्म ऑफ फाइव इन के लिए हो दस साल के लिए हो या फिर तीस साल के लिए हो विल बी इलिजिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दीज ट एवर एनआरआइज आर देर दे है अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू एनी इनवेस्टमेंट लिमिटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन और विधिक्यूलर सीलिंग इसके साथ ही साथ जो आपको पता, मैंने बताया एफ ए आर के अलॉन्ग देर आर टू रूट मीडियम टर्म फ्रेम फ्रेमवर्क जहां पर सीलिंग होती है और वॉल्टरी रिटेनशन रूट वी आर आर विच इज मोर ऑफ फॉर फॉरिनर्स टू इन्वेस्ट इन आर डेट मार्केट ठीक है अब स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें दीज आर नथिंग बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज पीरियोडिकली नोटिफाइड बाय आरबीआई अंडर रूट के अंदर हर बार आरबीआई कुछ ना कुछ रखते जाता है कुछ ना कुछ, कुछ रिमूव करते जाता है दैट इज वाई इट इज स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड मतलब क्या ठीक है इस साल के लिए है तो अगले साल के लिए नहीं है सच टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ठीक है इन दिस रिगार्ड रेफरेंस इज इनवाइटेड टू एफ ए आर डिरेक्शन मतलब

देर फॉर बेनिफिट क्या है सिंपल यार फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो अपने हमारे एनवायरमेंट की कुछ मदद कर सके राइट सिंपल एंड टू एनकरेज कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ सिक्योर फॉर इन्वेस्टमेंट इंटू गवर्नमेंट बॉन्ड्स ठीक है किसी ना किसी को तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो इंडियंस ही भूखे होते हैं सोने का तो सोरिन गोल्ड बॉन्ड्स तो इंडियंस ही खरीद लेंगे सोरिन में यहां पर एनआरआई को एक अपॉर्चुनिटी दे दिया जिससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट भी होती रहेगी और साथ ही साथ इंडिया की जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी वहां पर होती रहेगी तो इस तरह से यहां पर यह बड़ी स्कीम थी ठीक है समझ लिया हमने अब उसमें ग्रीन बॉन्ड का थोड़ा सा मैंने अलग डायमेंशन भी आपको बताया विच इज वेरी इसेंशियल क्योंकि आरबीआई में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं आरबीआई रिस्क वेट हाइक ऑन कंज्यूमर क्रेडिट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सी आर ए आर और सी आर आर ओके ठीक है आरए आर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ओके okay? तो उसी के रिलेटेड एक न्यूज है वॉट इज इन न्यूज आरबीआई हैज रिसेंटली रेज रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर क्रेडिट बाई बैंक एंड एनबीएफसी अप टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट फ्रॉम हंड्रेड परसेंट ठीक है वाई आरबीआई हैज डन इट ठीक है सो सी ए आर अगर हम देखें कैपिटल एडक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो

ठीक है अब बैंक रिम्यूनरेटिव फाइनेंशियल हेल्दी या फिर वीक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा सिंपल बैंक के पास दो ही जरिए होते हैं टू अर्न मनी एक होता है लोन देना दूसरा होता है डिपॉजिट लेना ठीक है जिसमें से जब वो डिपॉजिट ले रहा है इट इज अबी उसको वो डिपॉजिट रिटर्न लोगों को देना पड़ेगा और जब वो लोन की बात आती है तो लोन क्या है इसका एसेट है बैंक का भाई क्योंकि जब मैं लोन दे रहा हूं आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दैट मनी विल कम रिटर्न टू मी राइट सो देर फोर सपोज अ पर्टिक्युलर बैंक इज देयर इट इज गिविंग आउट गुड लोन देन ऑफकोर्स इट्स वुड बी वेरी वेरी गुड इट्स फाइनेंशियल स्टांस वुड बी वेरी वेरी गुड इट वुड बी अस्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम देन वीकनेंशियल सिस्टम तो सी आर ए आर या फिर सी ए आर इज दैट टर्म विच टेल्स यूर द फाइनेंशियल कंडीशन हेल्थ ऑफ द बैंक ठीक है आगे बताऊंगा ठीक है थोड़ा सा काम रहो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पॉसिबल एनपीएज इन फ्यूचर मैंने पहले बताया था ये जो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग जो भी बैंक लोन देती है और फिर वो लोन कोई भी चुकाता नहीं है, course, किसको होता है, को होता है तो ऐसे जो लोन बैक अगेन नहीं करते हैं एनपीए में आ जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाती है ठीक है ना वॉट एवर आर एनपी बैंक आर ट्राइंग टू रिड्यूस दैट एनपीए कम करने को देखेगा कोई भी बैंक क्यों उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करने के लिए सो टू टेक द प्रिवेंटर मेजर अगेन पॉसिबल एनपीए आरबीआई ने क्या कहा है आरबीआई ने कहा है कि हम टोटल जो रिस्क वेट है ऑन कंज्यूमर क्रेडिट बाई बैंक इंक्रीज इट फ्रॉम हंड्रेड परसेंट टू वन ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है तो इसका मतलब यह जो हमारा कैपिटल एडाक्सी रेशो है या फिर कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है वो हम सौ से लेकर एक सौ पच्चीस करेंगे ये हम क्यों करेंगे ताकि हम पॉसिबल जो फ्यूचर में एनपीएज होने वाले हैं या फिर जो लोन्स बैड लोन्स होने वाले हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके ठीक है सो देर फोल्ड एज अ मेजर पॉसिबिलिटी टू स्टॉप एनपीएज इन फ्यूचर आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्रीज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रिच ठीक है फ्रॉम द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ ट्वेंटी इफ यू सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सॉ सेवेंटी इंक्रीज इन अनसिक्योर्ड लोन्स ठीक है तो NBFC's, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्होंने ये देखा कि कि भाई आपका जो भी पर पर है, है वो लोन चुकता ही इंक्रीज हो, तो हो गया इन कंपैरिजन ओवरऑल सिस्टम एक्सपीरियंस 45 फाइव परसेंट ग्रोथ एंड लेड एनबीएफसी टू गेन लार्जर शेयर इन पर्सनल लोन पोर्टफोलियो अब मैं और एक बात बताता हूं ये सेंटेंसेस पढ़ के मे भी आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा आई टेल यू वन थिंग फॉर अ बैंक प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि उन्होंने किस क्वालिटी का लोन दिया फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने किसी को होम लोन दिया तो देर इज वेरी हाई चांस कि वो होम लोन मुझे रिटर्न मिले क्यों क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो मुझे मिलता रहेगा और अगर कल किसी इंसान ने होम लोन जो रेसिडेंशियल जो लोन होता है इफ दैट हैज बीन नॉट पेड बाय दैट पर्सन देन ऑल्सो आई कैन सेल दैट प्रॉपर्टी एंड अर्न द मनी वॉट अबाउट लोन वॉट अबाउट रिटेल लोन अब उस पर अगर कोई भी कोलेटरल नहीं है वॉट अबाउट गोल्ड लोन उसके अगर ऊपर कोई ना कोई अगर कोलेटरल uh, नहीं है या फिर कोई भी सपोर्ट नहीं है तो देर फोर यहां पर फिर बैंक उस चीज को कैसे फिर हैंडल करे ओके okay? दैट इज वाई फॉर एनी बैंक द क्वालिटी ऑफ लोन मैटर्स द अमाउंट ऑफ लोन से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है क्वालिटी मतलब क्या जिसको मैं कितना लोन दे रहा हूं और कितना लोन मुझे अशोर्ड रिटर्न आएगा मतलब रिस्क क्या है लोन की सिंपल एक लोन पर रिस्क कितनी है फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग लोन की रिस्क बहुत कम होती है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन पर्सनल लोन के परसेंटेजेस ऑफ नॉट बींग पेड इज वेरी वेरी हायर देन हाउसिंग लोन सिमिलरली कमर्शियल लोन जो भी कंपनी लोन लेती है विजय मालिया का एग्जाम्पल ले लो वो वहां पर लोन वैसे फेल होना ठीक है टू रिपेम बैक टू बैंक पर प्रॉबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू सर्टन लोन दैट इज वाई क्वालिटी ऑफ लोन मैटर्स क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करेगी सो रैपिड ग्रोथ इन रिटेल लोन एंड बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसी विच टूगेदरली कॉन्ट्रीब्यूटेड फिफ्टी परसेंट ऑफ इंक्रीमेंटल क्रेडिट इन लास्ट 12 months, मतलब क्या? एक तो एनबीएफसी की गंदी फाइनेंशियल जैसे कि पर्सनल लोन दे दिए रिटेल लोन दे दिए कमर्शियल लोन दे दिए एंड दैट हैज इंक्रीज 75%. परसेंट और उससे ओवरऑल आप देख सकते हो रैपिड ग्रोथ तो हुई है टोटल बैंकिंग सेक्टर में लेकिन लेंडिंग प्रैक्टिसेस बहुत ही बुरे हैं. ठीक है थीके?

समझा देता हूं वॉट इज कैपिटल एडक्वेसी रेशियो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो इट इज अ प्रपोर्शन ऑफ बैंक कैपिटल टू इट्स करंट एंड रिस्क वेटेड लाइबिलिटीज किसी को भी यह पता नहीं चलेगा कि यह चीज क्या है ठीक है एक बार बता देता हूं ठीक है कैपिटल एडक्वेसी रेशियो या फिर कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो इज नथिंग बट सिंपल भाषा में इट इज एसेट अपॉन लायबिलिटी सिंपली ये फॉर्मूला है याद रखना कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है इसका मतलब एसेट अपॉन लायबिलिटी नहीं होता है पर मैं सम, आपको बता रहा हूं ठीक है इस वर्ड का मीनिंग क्या है कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट आपके पास कैपिटल कितना है आपके पास एसेट कितने है? आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं और आपका पैसा कहां पर जा रहा है ओके सो अपॉन मतलब कितना आप पैसा होल्ड करते हो लाइबिलिटी मतलब आपका कितना खर्चा पानी हो रहा है इससे हम निकाल पाएंगे कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कितनी है फॉर एग्जाम्पल आपको पापा पॉकेट मनी देते थे पांच हजार भाई ये आपका एसेट हो गया रोज पांच हजार अकाउंट में आ रहे लाइबिलिटी क्या है रोज आपके खाने का बिल हो जाता है दो हजार रुपए ठीक है सपोज एक दिन अगर चार हजार रुपए हो गया तो ये रोशो रेशो बिगड़ गया ना फॉर एग्जाम्पल पांच हजार अगर आपका पॉकेट मनी आता है दो हजार सपोज आपका खाने का बिल होता है रोज ओके ऑन एन एवरेज तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड यू आर हैविंग अ कैश विच इज़ डिस्पोजिबल तो ये एक अच्छा अमाउंट है जो कि खर्चे के लिए आपको आप फाइनेंशियली हेल्दी हो राइट right? एक दिन ऐसे इमेजिन करो आपने बहुत ज्यादा चाइनीज या फिर बाहर का रेस्टोरेंट का बहुत ज्यादा खाना खाया जोमेटो स्विगी आपने खर्चा किया चार हजार रुपए अब रेशो निकालो कितना होगा आर यू फाइनेंशियल हेल्दी नो यू आर नॉट सो देर फॉर हर यू कुड सी फाइव बाय फोर आ जाएगा इसका सो so, ऑलमोस्ट ये रेशो बिगड़ गया ना अर्लियर यू जस्ट हैड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन योर हैंड राइट राइट सॉरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सो यर यू हैड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन योर हैंड नाउ यर यू कुड सी हाउ मच यू आर हैविंग वेरी वेरी लेस अमाउंट यू आर हैविंग इन योर हैंड राइट तो इस तरह से आप देख सकते हो बस कुछ हजार रुपए बचे होंगे आपके हाथ में तो so, ये आपको बताता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है अब इसी एग्जाम्पल को बैंक के कंटेक्स में देखते हैं ठीक है इसी एग्जाम्पल को याद रखना मैंने इतना सिंपल एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए शायद से अब आपको बैंक के कंटेक्ट में बहुत ईजी हो जाएगा अब याद रखना बैंक के लिए एसेट मतलब क्या होता है मैंने पहले बताया बैंक के लिए एसेट क्या होता है डिपॉजिट होते हैं बैंक के लिए एसेट नहीं लोन होते हैं बैंक के लिए एसेट एम right? आई राइट एसेट लोन होता है और लाइबिलिटी क्या होता है डिपॉजिट्स होते हैं क्या होते हैं िटी डिपॉजिट होते बैंक के लिए डिपोजिट लाइबिलिटी कैसे होते क्योंकि कल आपका डिपोजिट आप मांगने जा सकते हो कि मैंने इतने हजार रुपए लगे थे आपके बैंक में सारे के सारे रिटर्न कर दो एंड बैंक इज लाइबल टू पे इट राइट लोन्स का कैसा है इंटरेस्ट बैंक को आते रहेगा सो देयरफॉर इट इज अ एसेट फॉर बैंक नाउ दिस रेशो ओनली यू हैव टू लुक एट नाउ लुक एट इट वेरी केयरफुली ये रेशो डज इट डिपेंडेंड जस्ट ऑन क्वांटिटी नो एग्जाम्पल इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्वालिटी हो इस पर यह मैटर करेगा कि लोन किस क्वालिटी का है एक एक है है कमर्शियल और एक लोन है आपका होम लोन सबसे ज्यादा रिस्क इसमें होगा बताओ सबसे ज्यादा रिस्क इसमें होगा ऑफकोर्स कंसिडर कर लो पर्सनल या फिर कमर्शियल सबसे कम रिस्क इसमें रहेगा होम लोन में सो so, इस तरह से रिस्क वेट वेटेज करें अगर जो भी आपका एसेट है उसमें अगर हम रिस्क एड करें तो हमें पता लगेगा कि आपका जो टोटल लोन है उसकी क्वालिटी क्या है भाई और फिर वी विल अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द फाइनेंस फाइनेंशियल स्टैंड और फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पर्टिकुलर बैंक सो दिस इज वाई

एच सबसे ज्यादा लोन्स देता है कमर्शियल मार्केट में या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ठीक है लेकिन क्या अच्छे क्वालिटी का देता है लोन्स ये भी हमें देखना चाहिए ओके बिकॉज टुमारो फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी वुड बी गिविंग मे बी हंड्रेड लाख करोड़ लोन ओके या फिर फिफ्टी लाख करोड़ लोन एचडीएफसी दे रहा है लेट्स अज्यूम ये इट्स अ वेरी बिग बैंक दे रहा होगा बट वॉट इफ दैट लोन इज नॉट बींग रिपेड हो गया

रिस्क प्रोफाइल होम लोन कभी भी ज्यादा रिपेमेंट होता है होम लोन का कोई भी इतना होम लोन uh, यहां पर इंटरेस्ट इसका ये नहीं करता है ओके बट ओवरऑल अगर हम पर्सनल लोन्स की बात करें ऑन द अदर हैंड पर्सनल लोन्स लोन पर्सनल लोन्स योर क्रेडिट कार्ड दे टेन टू हैव अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट बिकॉज दे कैरी हाईर रिस्क देर इज अ वेरी हाई रिस्क इन सच टाइप ऑफ लोन इन केस ऑफ हाइयर रिस्क वेट्स द लेंडर्स मस्ट मस्ट सेट असाइड मोर कैपिटल वेन मेकिंग लोन्स एंड देर बाय लोअरिंग देयर ग्रोथ पोटेंशियल सो यहां पर भी वैसे ही होता है फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बैंक है जिसका लोन बहुत ही बैड क्वालिटी का है मतलब विथ हाईर रिस्क सो देर फोर अकॉर्डिंग टू बेसल नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू कैपिटल एडोक्सी रेशो एंड कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो अकॉर्डिंग टू धिस पर्टिकुलर बेसल नॉर्म्स इट इज सेड कि अगर आपके टोटल लोन्स में, में रिस्क वेटेड लोन्स बहुत एसेट्स अगर ज्यादा है दैट मींस लोन अगर ज्यादा है जिसमें रिस्क ज्यादा है तो आपको उतना एसेट निकाल के रखना पड़ेगा उतना फंड आपके बैंक के पास ज्यादा चाहिए सो देर फोर लेंडर्स मस्ट सेट असाइड कैपिटल सो कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशो जितना रिस्क आपके लोन में है उतना कैपिटल आपको निकाल के रखना पड़ेगा मे बी फोर परसेंट ऑफ वेटेड एसेट मे बी फाइव परसेंट निकाल के रखना पड़ेगा क्यों कल अगर आपके इस रिस्क वेटेड लोन में अगर कुछ भी रिपेमेंट नहीं हुआ तो कल आप आरबीआई के पास भागते भागते नहीं जाओगे खुद सिचुएशन संभालोगे सो दिस इज हाउ बैड लोन्स आर प्रिवेंटेड सो बैड लोन्स इन द सेंस आर हैविंग हायर हायर रिस्क हायर रिस्क था इसलिए किसी ने पेमेंट नहीं किया सो so, जब बैंक के बाद पास एक पॉसिबल बफर होता है सो एक्स्ट्रा कैपिटल अ स्पेसिफिक बफर जहां पर अगर किसी ने भी लोन रिपेमेंट नहीं किया तो भी भाई ये एक्स्ट्रा कैपिटल है हमारे पास टू सरवाइव कि इतना लॉस हम बियर कर सके आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड सो नाउ पेंशन फंड फॉर एग्जाम्पल सॉरी हा सो फॉर एग्जाम्पल हियर नाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट वॉट आरबीआई कि ये जो आपका टोटल रिस्क वेट है वो आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया फ्रॉम हंड्रेड परसेंट टू वन टी फाइव परसेंट इसका मतलब क्या है ओवरऑल रिस्क वेटेड जो आपके एसेट है ओके okay? तो ओवरऑल कैपिटल जो है जो हंड्रेड परसेंट था या फिर जो भी हंड्रेड परसेंट यहां पर लेंडिंग था जो एनबीएफसी का वो अब वन ट्वेंटी फाइव परसेंट यहां पर आपको इंक्रीज कर दिया इसका मतलब क्या अब एनबीएफसी के ऊपर थोड़ी टाइटनिंग पॉलिसी बैंक ने यहां पर कर दी है इन कंटेक्स लेंडिंग सो ओवरऑल अगर एनबीएफसी की हालत देखो इस ग्राफ से पता लगती है पर्सनल लोन्स देखो यहां पर कैसे यहां पर यह ग्राफ है पर्सनल लोन का ओके okay? ओवरऑल देख सकते हो आप येलो कलर लाइन इज शोइंग एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग लोन इज ब्लू कलर लाइन एंड रेड कलर लाइन इज अदर पर्सनल

एवरी रूपीज बिनिटल बैंक ने रखना है सिंपल यही इक्वेशन है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लोन सपोज दिया दस लाख का ठीक है दस लाख का लोन दिया बहुत ज्यादा रिस्क है उतना ही कम्युनेटिवली कैपिटल निकाल के रखना पड़ेगा ठीक है

जितना कम रिस्क उतना ही कम इंटरेस्ट लोन के लिए उतने ही ज्यादा बॉर उतना ज्यादा पैसा मार्केट में जितना ज्यादा पैसा मार्केट में उतनी ज्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा एंप्लॉयमेंट उतना ज्यादा पैसा हाथ में उतनी ज्यादा डिमांड और उतनी ज्यादा ग्रोथ और उतना ज्यादा जीडीपी लेकिन अब देखो इसका रिवर्सल करता हूं मैं ज्यादा रिस्क उतना क्या ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट बोरोवर्स कम हो जाएंगे ठीक है अब जब कम हो जाएंगे मार्केट में अगर आप देखते हो कम पैसा रहेगा लेकिन यहां पर और एक रिस्क है एज द रिस्क इज हाई सपोज यहां पर रीपेमेंट नहीं हुआ पैसे का इफ द मनी हैज बिन नॉट पेड बैक देन वॉट एवर द इन्वेस्टमेंट इज देयर वॉट एवर जो इन्वेस्ट किया है बैंक में ने भी तो इन्वेस्ट किया है लोन दे के राइट दैट विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द केस स्टडी ऑफ विजय माल्या वॉट एवर विजय मालियाज बैंक बैड लोन वॉट एवर सीनेरियो इज देर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व ठीक है जो भी वो लोन रिटर्न नहीं कर पाए बैंक को ओके हु पेड द कॉस्ट डू यू नो हु पेड द कॉस्ट टैक्स पेयर्स टैक्सपेयर्स ने पे किया राइट सो देर फोर इट बिकम्स वेरी वेरी फ्यूटाइल वेन सच टाइप ऑफ ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ बैड लोन इज देयर

मे बी स्टूडेंट टेकिंग पर्सनल लोन फॉर मोटर बाइक ठीक है दो महीने के लिए मोटरबाइक चला दी और फिर बैंक को बोल दिया मोटर बाइक लेकर चले जाओ मेरे को नहीं चाहिए और मैं आपका लोन भी नहीं भरूंगा फॉर बैंक वाई बिकॉज न्यू बाइक वॉज देयर बट नाउ क्या हुआ अफकोर्स डेप्रिशिएशन हुआ अफकोर्स उसका मेंटेनेंस भी होगा If you sell that bike again, will it go to the same price? No. So losses are incurred by bank. But

नो यूर कस्टमर नो नो योर कस्टमर दैट इज केवाईसी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है कोलेट्रल के डॉक्यूमेंट सारी चीजें दे दी यू एवरीथिंग यू के ओके नाव वॉट हैपन वॉस यू गॉट अ जॉब आफ्टर फोर इयर्स ओके यू ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग द लोन टू वॉट यूर एजुकेशन लोन यू गॉट अ रियली गुड जॉब आपने एजुकेशन लोन पे भी कर दिया नाउ दैट लोन वॉज इन एस बी है ओके नाउ इमेजिन यू गॉट मैरिड आफ्टर फोर फाइव इज एंड नाउ यू थिंक दैट यू वॉन्ट टू बाय वॉट

सीआरए ने सॉरी वट इज सी आर ए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए ना अकाउंट एग्रीगेटर एक बार देख लो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है इंस्टीट्यूशन है जो एक सिक्योर शेयरिंग करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बिटवीन रेगुलेटेड एंटिटीज सच सचेज बैंक एनबीएफ इन रियल टाइम बेसिस तो डेटा शेयर होता है फॉर एग्जाम्पल अकाउंट एग्रीगेटर है वो कंसेंट लेता है किसी भी इंसान से फॉर एग्जाम्पल जब वो केवासी ले रहा है आपसे

ओके, सो ही डजेंट नीड टू सबमिट हिज लोन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन एक बार कर लिया तो वही इन्फॉर्मेशन फिर वो फॉरवर्ड दूसरे बैंक में चली जाएगी विदाउट एनी लीकेज विदाउट एनी थेफ्ट दैट मींस इन सिक्योर्ड वे ओके ओवरऑल अगर आप देखते हो आरबीआई ने क्या किया न्यू कैटेगरी बना दी है फॉर सैंक्शन अकाउंट एग्रीगेटर्स एज अ न्यू कैटेगरी फॉर एनबीएफसी कंपनीज हुज

फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स फॉर एग्जाम्पल जो आपके बनिया होता है जो इंफॉर्मेशन बेचता है वो एक और जो खरीदता है कस्टमर वो एक सो दिस टू पीपल आर देयर हु आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ द डेटा दिस डेटा कैन नॉट बी शेयर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ यूजर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं थ्री टायर स्ट्रक्चर होता है एफ आई यू होता है और एफ आई पी होता है

सपोज मैं थोड़े साल बाद ठीक है मैं स्टार इंश्योरेंस के पास कोई भी इंश्योरेंस लेने जा रहा हूं या फिर मैं आईसीआईसीआई बैंक में दूसरा कोई लोन लेने जा रहा हूं सो बोथ ऑफ दिस आईसीआई एंड स्टार इंश्योरेंस व्हेन दे विल टेक द डेटा फ्रॉम एसबीआई एसबीआई इज एफ एंड स्टार इंश्योरेंस एंड आईसीआई आईसीआई इट्स एफ आई यू एफ आई यूज वॉन्ट द डेटा एफ आई पी विल गिव द डेटा ओनली वेन आई विल गिव द कंसेंट बैंक विल प्ले अ ड्यूअल रोल एज एफ आई पी एंड एफ आई यू ऑल्सो एट सिंपल एज दैट एक बैंक लोन दे रहा है तो दे की टोटली बेस्ड ऑन डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ठीक है डेपा फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है मैंने पहले बताया सिग्निफिकेंस क्या है पहले तो यह जान लो आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेस है ओके टू एक्सिस फाइनेंशियल सर्विस एट अल प्लेटफॉर्म मतलब क्या आपको दस जगह पर दस बार अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट इनपुट करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल चीजें सबमिट करने की जरूरत नहीं हैजिस ऑफ डेटा अलाउज देम टू मॉनिटर इट्स मूवमेंट एंड ऑल्सो लोवर द रिस्क ओके हर प्लेटफॉर्म पर अगर आप बार 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 डेटा अपना अगर दोगे इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दैट डेटा

तो इस तरह से ये हमारा अकाउंट एग्रीगेटर की चीजें हो जाती है सर्टन एंटिटीज ऑल्सो कैन ज्वाइन एज अकाउंट एग्रीगेटर ओके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स अगर आप बात करें इट हैज टू बिकम अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर दे हैव टू ज्वाइन एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर अगर आपको एफ आई यू बनना है तो एफ आई पी बनना होगा पहले ओके सो देर फोर यू हैव टू रिक्वायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो दैट यू बिकम एफ आईपी सो इन दिस वे एफ आई यू एफ आई पी आप बन सकते हो बैंकिंग एनबीएफसी ये सारी चीज ये सारे इंस्टीट्यूशन जनरली बन पाते ओके okay? सो so अभी हमने क्या देखा सी आर है जो कंज्यूमर सॉरी जो आपका इंस्टीट्यूशन है ओके इन दिस पर्टिकुलर न्यूज यस सेंट्रल रिकॉर्ड क्रीपिंग कीपिंग एजेंसी सी आर है ठीक है सी आर ए इज देय इट हैज नाउ रिप्लेस्ड पेंशन फंड्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर इन अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम आपके पेंशन फंडिया ने यही न्यूज थी मूव टूवर्ड्स वेरी कंसेप्चुअल थिंग दैट इज इंडियन फाइनेंस रिपोर्ट इट इज नथिंग बट काफराल नाम की एक एजेंसी है ओके सो इट इज सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग इट हैजन अ रिपोर्ट ऑफ इंडियन फाइनेंस पढ़ सकते हो बाकी है वो भी पढ़ सकते हो काफर क्या है? In 2006. ये होती है बैंक के साथ वो यहां पर काफराल हर बार बताते रहता है ओके सो लेंडिंग मनी टू एनबीएफसी कंपनी दैट इज एन बी एफ सीज एंड पोटेंशियल डेंजर इन दैट एरिया काफर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग सच इश्यूज काफ्रलिंग एप्स एंडल इन्फॉर्मेशन ओवरऑल अगर हम देखें इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच हैज़ बीन सेटअप बाई आरबीआई अगर हम देखें एंड इट इज फॉर दस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक ठीक है इतना ही आप याद रख लो काफरल के बारे में रिपोर्ट के बारे में अगर मैं बात करू पहले तो यह है इंप्रूव कैपिटल पोजिशनिंग ऑफ एनबीएफ इतने ज्यादा पिछली न्यूज में हमने देखा इतने ज़्यादा तो अच्छी बनी है सरपासिंग इट्स मैंडेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट मतलब आपने देखा बैड क्वालिटी लोन्स यहां पर इंक्रीज होते जा रहे पंद्रह परसेंट से सत्ताइस डिक्लाइनिंग एनपीए रेशो स्टिल ग्रॉस जो एनपीएस है एनबीएफसी के वो थोड़े कम हो रहे गुड गुड साइन सर्ज इन बैंकिंग फाइनेंशियल इट इज नथिंग बट ओवरऑल इफ यू सी देर एज बिन नोटेबल इंक्रीज इन बैंक फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू एनबीएफसी एंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ सिस्टमिक रिस्क इज नथिंग बट करंट रिस्क एसेट रेशियो माइट नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड एट सिस्टमिक रिस्क मतलब क्या अभी जितना एनबीएफसी में रिस्क है वो हमने ठीक से यहां पर रिप्रेजेंट सिस्टमिक रिस्क में नहीं किया है दैट इन फ्यूचर इट मे क्रिएट

टोटल जो आपकी एसेट uh, क्वालिटी क्या है ओके सो इन दैट बैड एसेट एन एन पी एज डिक्रीज मीन एसेट क्वालिटी इंप्रूव ठीक है एसेट क्वालिटी वैसे अगर आप थ्रू आउट दो से देखो तो इंप्रूव हुई है ओके बट स्टिल द दिचुएशन आर नॉट एज गुड एज दे सीम ठीक है हा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करो तो अच्छी है ठीक है मेजर कंसर्न रेज बाई दिज रिपोर्ट क्या है मेजर कंसर्न इंटरडिपेंडेंसी रिस्क इन एनबीएफसी सेक्टर यहां पर काफराल ने क्या ऑब्जर्व किया लेंडिंग लार्जर बैंकेंटली रिजल्टिंग इन क्रॉस हाइटर विद इन एनबीएफसी सेक्टर एसबीआई बड़े बड़े एनबीएफ को लोन देता है एनबीएफसी बड़ा जो होता है वो छोटे छोटे एनबीएफसी को लोन देता है राइट right? सो so, ये हो रहा है यहां पर क्रॉस लेंडिंग प्रैक्टिस हो रही है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई एल एंड एफ एस क्राइसिस ऑल्सो वी सो वेर आई एल एफ एस जो कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए लोनिंग कर रहा था एंड एट क्या हो गया आई एल एंड एफ एस में ठीक है तो इस तरह से हाउ बिगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री धिस वी कैन टेक द एग्जाम्पल किससे आई एल एफ एस क्राइसिस से नाउंड इंपैक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन मॉनिटरी पॉलिसी ऑन एनबीएफसी कॉन्ट्रेक्शन इन देंस पर जब आप देखते हो काफर ने क्या देखा कि जब जैसे ही टाइटनिंग पॉलिसी एनबीएफसी एनकाउंटर एलिवेटेड बोरोइंग एक्सपेंसिस एंड रिड्यूस्ड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब क्या सिंपल सी बात है जब आरबीआई आपके इंटरेस्ट रेट को यहां पर टाइटन करता है ठीक है है आरबीआई आरबीआई जब चाहता कि भाई मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहता हूं इसलिए तो टाइटनिंग पॉलिसी कर रहा हूं जब आरबीआई ये करने की पास अगर कम लोग लोन लेते हैं तो एनबीएफसी का प्रॉफिट नहीं आ पाएगा सो दैट इज वाई एनबीएफसी करता क्या है टू मैनेज इट्स बोरोइंग एक्सपेंसिस टू मैनेज इट्स प्रॉफिट एनबीएफसी क्या कर लेता है they redirect their lendi lending towards riskier segments. So rather than giving their uh, loans to normal secured sections, they give it to unsecured loans, subprime borrowers. Okay, जहाँ पर वो लोग subprime borrowers, these unsecured loans, people are ready to take loans at any extent. उनको बस loan चाहिए रहता है. So जब ये unhealthy lending practice होती है, यहाँ पर NBFC सबसे ज़्यादा suffer करता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे

एक तो आप सब प्राइम लेंडिंग कर रहे हो मतलब बैड लेंडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो अनसिक्योर्ड लोन्स में प्रॉफिट हो जाए क्योंकि आप और प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जैसे कि इक्विटीज में म्यूचुअल फंड में so आपकी टोटल फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी पता लगती है कि एनबीएफसी की बहुत ही यहां पर रिस्की होती है ओके okay? सो so, ओवरऑल इफ यू सी वार्निंग अबाउट एलिसिट इसी रिपोर्ट में इलिसिट लैंडिंग एप्स एंड फिनटेक इंपैक्ट भी यहां पर ने बताया सो कुछ कुछ फाइनेंशियल एप्स है एंड दे आर देर डूंगिट लैंडिंग एक्टिविटीजो हैज बीन शोड इन दिस रिपोर्ट आई क्राइसिस डिफॉल्टिंग क्या था इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो बहुत बड़े बड़े इवन वन लाख करोड़ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा था एंड देन Their, dip, their debt defaulted in June 2018. बहुत बड़ा NBFC था और उसका ILF and uh, ILNFS crisis कहते हैं इसको. You can search on internet और आप इसकी एक story छोटी सी देख सकते हो. ठीक है? It fell short of cash and defaulted on several of its obligation. इतने loan bad lending practices थे कि बाद में it fell short of cash. पैसे ही नहीं थे bank में. ठीक है? So try to understand this. Okay? NBFC's का क्लासिफिकेशन अगर आप देखो तो पहला होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल हो सिडबी नाबार्डीम एक्सेट्रा अगर आप कोर NBFC's देखते हो ठीक है अकॉर्डिंग एनडी होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते है जो कि बैड लोन्स के जो एसेट्स होते हैं उनको यहां पर गुड लोन्स में कन्वर्ट करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं ये सारे मेन एनबीएफ में आ जाते हैं प्राइमरी डीलर्स में आपके आते हैं

ट डॉट इंक्लूड इंस्टीट्यूशन प्राइमरली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेडिंग गुड्स ओके सो सच टाइप ऑफ सेक्टर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एनबीएफसी क्राइटेरिया अगर आप देखें तो इट शुड है सो फाइनेंशियल एसेट पचास परसेंट चाहिए और डिराइविंग जितना भी पैसा वो अर्न कर रहे हैं वो भी पचास परसेंट इनकम फाइनेंशियल एसेट्स उन्हीं से होना चाहिए

हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ठीक है डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करेंगे सो अनलाइक बैंक विच कॉमनली एक्सेप्ट सच डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड विदाउट प्रायर नोटिस ठीक है सो अगर आपने दस हजार रुपए अपने बैंक में रख दिया एसबीआई के जब चाहे आप निकाल सकते हो आपको कोई रोक नहीं सकता लेकिन एनबीएफसी में ऐसे डिमांड डिपॉजिट नहीं होते सेकेंड पार्टिसिपेशन इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम

डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफ टू डिपोजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफर्ड बाई अदर एंटिटीज लाइक बैंक इंश्योरेंस सेफ गार्डिट आर नॉट देयर इट डज नॉट एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू द इट्स डिपोजिटर्स तो यहां पर पैसे रखना रिस्की है भाई ठीक है ना वाई एनबीएफसी आर कॉल्ड एड शेडो बैंक ये लास्ट पॉइंट और आपका पूछा जाता है ये पर्टिक्युलर क्वेश्चन आपके आरबीआई के इंटरव्यू में एनबीएफसी तो को शेडो बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंक बट दे डू फंक्शन एज बैंक ओके सो दर कॉल्ड शेडो बैंक बिकॉज दे परफॉर्म सम्रेडिशनल बैंक बट दे ऑपरेट आउट साइड द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड विथ लेस रेगुलेशन इसी लेस रेगुलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम होता है जो हमने देखा ठीक है द टर्म शेडो रेफर्स टू नथिंग बट दे ऑपरेट इन दाइनेंशियल सिस्टम बट डू नॉट हैव सेम लेवल है ओवरसाइट या फिर रेगुलेट करता है या फिर ऑपरेट करता है उतना ज्यादा एनबीएफसी में वहां पर इंटरव्यू नहीं करता है ठीक है दिस वॉज अबाउट ऑल द फाइनेंशियल क्लास ऑफ टूडे थैंक यू वेरी मच सी यू नेक्स्ट टाइम